आई एम टीचर जताशिया फ्रॉम दारे अरकम स्कूल स्टेट लाइफ ब्रांच हिप्स क्लास लेवल सी ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 4। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन योर डेट एंड डे रिवाइज सम टू गेट रेडी। स्टूडेंट्स ये रिव्यू शीट्स हैं, पहले भी आपने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इन वर्ड्स इन नोटबुक। स्टूडेंट्स आपने ये काम नोटबुक्स पे करना है। ओपन योर ए पार्ट है 4957, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है 4957। स्टूडेंट पार्ट बी सी डी आपने खुद अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करना है। पार्ट बी है इसका राइट इन नंबर्स, पहले हमने वर्ड्स में किया था, अब हमने नंबर्स में लिखना है 9009। नोटबुक पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 9009। क्वेश्चन सी है राइट द मिसिंग नंबर्स। स्टूडेंट्स इसका पार्ट ए है। स्टूडेंट्स वी राइट मिसिंग नंबर्स इज इक्वल टू का मतलब होता है कि दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल। लाइक 12 में से -5 करेंगे तो आंसर आएगा 7। इसी तरह 8 में से -1 करेंगे तो 7, दोनों वैल्यूज इक्वल। इसी तरह बेटे आपने बी सी डी ई इन पार्ट्स को अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से डन करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 5, क्वेश्चन डी ड्रा दिस लाइन सेगमेंट्स ऑन नोटबुक। स्टूडेंट सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग स्केल। 4 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर ईच लाइन एंड राइट द लेंथ विच लाइन इन लॉन्गर। लेंथ मेजर करने के लिए स्केल यूज करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर, दिस लाइन इज 5 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट लाइन 5.5, दिस लाइन इज लॉन्गर देन दिस लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट एफ है कॉपी एंड मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को कॉपी पे करना है। ओपन योर नोटबुक, कॉपी एंड मल्टीप्लाई। वैल्यू थी 197, 24 के साथ 197 को मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल पढ़े 7 तक, 28 आएगा, 8 टू कैरी। उसके बाद 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 2 कैरी दे देंगे। उसके बाद 4 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, 36 आएगा, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 इधर लगा देंगे, 3 कैरी दे देंगे। उसके बाद 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 4 ones are 4 और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7। इसी तरह 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4 1 कैरी। 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 18 में 1 ऐड किया तो 19, 19 का 9 इधर लिख देंगे और 1 कैरी दे देंगे। इसके बाद 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 2 ones are 2 1 ऐड किया तो 3 आ गया। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 8 और 4 प्लस करने से 12 आया, 2 लिख देंगे, 1 कैरी। 9 को ऐड करने से 16 आया और इसमें 1 ऐड करेंगे 17, 7 इधर, 1 कैरी, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 7 2 8 आंसर है हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन जी है कॉपी एंड डिवाइड, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका ए पार्ट करेंगे। 6 divided by 476, 476 6 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक तो 42 आएगा, इनको माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 6 नीचे लिख देंगे। इसी तरह 6 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 54 आएगा और में से 54 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। स्टूडेंट्स ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, सो दिस इज आंसर। स्टूडेंट्स आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक पे डन करना है। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।